Hi viewers, welcome back to my channel, The Side Simran Sandhu. I wish that you're all good and that you're all healthy. सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अगर आप हमारी वीडियोस हमेशा देखते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे एंड दैट यू डोंट मिस आउट ऑन आवर वीडियोस। तो गाइस, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन को एक महीना बीत चुका है और इसी बीच सरकार की तरफ से और जनता की तरफ से इतनी सारी एक्टिविटीज हुई हैं, चाहे वो जनता कर्फ्यू की अनाउंसमेंट हो या चाहे वो लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हो या फिर वो हैशटैग 9 PM 9 मिनट की अनाउंसमेंट हो और या तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर के 1.7 लाख करोड़ के रिलीफ पैकेज की अनाउंसमेंट हो और या फिर लॉकडाउन एक्सटेंड होने की अनाउंसमेंट हो। सरकार ने गरीब और जरूरतमंद लोगों के तबके के लिए 1.7 लाख करोड़ का रिलीफ पैकेज निकाला, तो उसके बाद भी क्यों हमें लोग एक राज्य से दूसरे राज्य चलकर जाते हुए दिखाई दिए? क्यों हमें इतनी सारी न्यूज दिखाई दी, इतनी सारी भगदड़ दिखाई दी? क्यों इतनी सारी कंप्लेंट्स आई लोगों की तरफ से? सरकार ने इतना कुछ किया, उसके बाद भी गरीबों के साथ ये सब क्यों हुआ? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर गरीब इस देश का क्यों इतना परेशान है? सरकार ने तो रिलीफ पैकेज अनाउंस कर दिया, लेकिन क्या रिलीफ पैकेज की जो सुविधाएं हैं वो हर एक व्यक्ति को मिल रही है? फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर यानी कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान जी ने खुद अपने ट्वीट में ये कहा कि बिहार के 14 लाख लोगों को इस स्कीम के अंतर्गत आना चाहिए। तो अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर अकेले बिहार में इतने सारे लोग हैं जो कि निग्लेक्ट किए गए हैं तो पूरे भारत में क्या स्थिति होगी। भारत में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास या तो आधार कार्ड नहीं है या तो राशन कार्ड नहीं है। देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपनी रोजाना आमदनी से अपना घर चलाते हैं, जैसे कि चाय वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला। आप सबको याद होगा कि लॉकडाउन अनाउंस होने के बाद कितने सारे लोग थे जो अपने अपने घरों को चल दिए थे। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ, जब दूसरी बार लॉकडाउन अनाउंस हुआ, लॉकडाउन के एक्सटेंड होने की न्यूज आई, तब भी मुंबई के बांद्रा स्टेशन में इतनी भीड़ दिखाई दी थी। और ऐसा सिर्फ एक या दो बार नहीं हुआ है, सोशल गैदरिंग की खबरें हमें बार बार देखने मिली है। चाहे वो किसी मंत्री के यहाँ पर शादी का आयोजन हो या चाहे सरकार की दी हुई मदद के पैसे निकालवाने की लाइन लगी हो बैंकों के सामने या फिर सरकारी दफ्तरों के सामने ई पास कलेक्ट करने की लाइनें लगी हो या फिर लॉकडाउन अनाउंस होने के बाद धार्मिक स्थलों पर फंसे हुए लोगों की बात हो, क्या सरकार को इन सब चीजों का अंदाजा पहले नहीं था? या फिर ये भी सरकार का एक पहले से प्लान नहीं किए हुए फैसलों में से एक है? द वायर के एक आर्टिकल में एक सर्वे का जिक्र हुआ है और उस सर्वे के हिसाब से तकरीबन 81 लोगों को अपनी जॉब या तो टेम्परेरीली छोड़नी पड़ी और या फिर परमानेंटली छोड़नी पड़ी। और जो लोग अभी भी काम कर पा रहे हैं उन लोगों के 87% आमदनी में कमी हुई है। जहां लोग इतनी तकलीफ में है, रोजाना लाइनों में लग रहे हैं और रोजाना लाइनों में लगने के बाद भी उन्हें अपने घर के लिए राशन नहीं मिल पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे पास अनाज बफर स्टॉक से भी ज्यादा मात्रा में है। और सरकार क्या सोच रही है? सरकार सोच रही है कि हम उसमें इथेनॉल मिलाकर सैनिटाइजर बना देते हैं। तो क्या सरकार की प्रायोरिटी देशवासियों का पेट भरना नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि इस वक्त सैनिटाइजर जरूरी है या फिर पेट भरने के लिए खाना जरूरी है? ऐसे कई देश हैं जहां पर लोगों को घरों में ही राशन मुहैया करवाया जा रहा है, क्या ये काम इंडिया में नहीं हो सकता? क्या भारत इतना सक्षम नहीं है कि हर घर पर जाकर राशन डिलीवर कर सके? अब भारत सरकार को पहले से भी ज्यादा मेहनत और पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजीज के साथ काम करना पड़ेगा ताकि देश में एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो भूखा पेट रहे। आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। हम दोबारा हाजिर होंगे ऐसे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार में शेयर करें। बी होम, स्टे सेफ एंड स्प्रेड लव। और जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि अगर आपको कोई भी इस तरह से जरूरतमंद व्यक्ति, भूखा व्यक्ति दिखाई देता है तो उसकी सहायता जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।